चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गिरा है, जिस वजह से हाईवे बाधित है। जिस जगह से मलबा गिरा है वहां से होकर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्री भी होकर गुजरते हैं। जाहिर है रोड बंद होते ही यात्रियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। यात्री घंटों तक जाम में जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है, जिससे पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरते हुए दिख रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पहाड़ी से किस तरह से मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। मलबा गिरते ही धूल का गुबार उठ रहा है और ये सामने वीडियो आपके सामने है। चमोली में बारिश की वजह से पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और इस मलबा कई गाड़ियों के ऊपर गिरा है। ये तस्वीर गोपेश्वर की है, जिसमें आप मलबे में दबी गाड़ियों को देख सकते हैं। ये सभी वाहन पार्किंग में खड़े हुए थे, जिनके ऊपर पहाड़ी से मलबा आ गिरा है। मलबा हटाने के बाद वाहनों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, मगर मलबे में दबकर वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कानपुर के रावतपुर इलाके में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें आसपास के मौजूद लोगों पर हड़कंप मच गया। लोगों ने किसी तरह से सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और जिसके बाद मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल सहारनपुर में एक कार कीचड़ में स्लिप होकर नाले में जा गिरी। हादसे के समय कार में कई लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को किसी भी तरीके से बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। लोगों का कहना है कि कुछ रोज पिछले पहले नाली की सफाई की गई थी, मगर उससे निकले मलबे को साफ नहीं किया गया। ऐसे में इस मलबे की वजह से आए दिन हादसे होते रहे हैं। झांसी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पहली वारदात थाना सिपरी बाजार के SIC इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार दिया, और फिर बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था। इसी शक के चलते आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उधर दूसरी हत्या मोट थाना इलाके की बताई जा रही है। एक शख्स का रात के समय सोते समय मर्डर कर दिया गया था। सोनभद्र में एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। पिकअप मालिक के अपहरण और हत्या मामले में चौकी प्रभारी रॉबर्ट्सगंज सस्पेंड कर दिए गए हैं। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मामले में चौकी प्रभारी संतोष सिंह को लापरवाही बरतने पर SP ने सस्पेंड कर दिया था। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी और जिसके बाद बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के रहने वाले हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।